अभी जो है अभी सामान ये लेके आए हैं, ये देखिए अभी रुक को पसंद है मौसमी, अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और पहले मैं काट के उनको दे देती हूँ, फिर ये टाइप के फोर्स होते हैं, पांच टाइप के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ना, ठप ठप ऐसे चलते चप्पल हैं। हाँ चप्पल आवाज़ होती है ना। हाँ इस लड़की नहीं आ देख के नहीं चल सकता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी सुबह की बज रही हैं 11 और 11 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी को मेरे प्यार भर नमस्कार, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मीनाक्षी फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखा देती हूँ, मैं कुछ सामान वगैरह हम लोग लेके आए हैं वो, और अभी मेरा किचन का कुछ थोड़ा बहुत काम छूटा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े, और आज मैंने बहुत सारे कपड़े सुबह उसके धुल दिए है, बस उसके बाद नाश्ता वगैरह सब हो गया। और अभी जो है अभी सामान ये लेके आए हैं, ये देखिए। तो ये अभी गए थे डीमार्ट से, सारा सामान लेके आ गए हैं, देखिए ये बोतल भी लेके आए वो, कल ये हॉस्पिटल में मेरे साथ गए थे तो वहाँ बोतल छोड़ दी थी, तो आज दो बोतल लेके आ गए हैं, तो ये बोतल लेके आ गए हैं। और ये देखिए, चलो पहले मैं ये सारा सामान निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, सारा एक एक करके दिखाती हूँ फिर आपको। देखिए दोस्तों, ये है आज का सारा सामान जो मैंने इनसे मंगाया था, और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं मंगाया था, थोड़ा थोड़ा मैंने सब मंगाया था क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत तो थी नहीं। तो ये देखिए मूँगफली भी लाए, मूँगफली हाँ, ये मैं कल मौसमी लेके आई थी, और ये सारी चीज़ें देखिए विम बार सर किचन का ही सारा, ये सारा सामान किचन का ही लेके आए हैं। ये देखिए बॉटल्स, दाल वगैरह ये सब, यहाँ राजमा कम मिलती है, डी मार्ट में ही मिलती है राजमा। ₹182 का आधा किलो है भाई राजमा। और ये लाए हैं खजूर, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाया, ये धूप मैंने मंगाई नहीं थी ये लेके आ गए धूप, और बस ये सारी चीज़ें। और ये बस अभी आलू और प्याज लेके आए, कितना है ये आलू, 5 किलो आलू 5 किलो प्याज है, 100 का 3 किलो है क्या आलू प्याज, 100 का 3 किलो है प्याज, 100 का 3 किलो प्याज, और 100 का 5 किलो आलू है, 600 का 5 किलो आलू। तो ये मैं सब सेटल्ड कर देती हूँ बस, और उधर मेरा लंच भी तैयार हो रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स पहले लंच वगैरह की तैयारी कर लेते हैं और इसको समेट लेते हैं सारा। और बच्चे भी आ चुके हैं और एक बच चुकी हैं अभी, काटी बस यही चालू रहता है। कंप्यूटर का टेस्ट 10 में से 9 कंप्यूटर के टेस्ट में तेरे 10 में से 9। और दोस्तों पहले से चोट भी लगा दिए, यहाँ देखो कितनी बड़ी चोट लगा रखी इस लड़की ने, यहाँ देख चलो हाँ यार देख के नहीं चल सकता क्या ही, अब बड़े हो गए हैं यार, अब थोड़ा देख के चलो कहाँ जा रहे हो, दौड़ रहे तो दौड़ ही रहे हैं बस, और इसका एक ही गेम है। और फ्रेंड्स आज का जो मौसम है ना, आज का मौसम बहुत धूप हो रही है, काफ़ी धूप है आज, और बाहर मैंने बहुत सारे कपड़े भी डाले हुए हैं, बहुत सारी बालकनी मेरी तो बालकनी मेरी कपड़ों से फुल रहती है। यस हाँ यस, मैं दोस्त है दिखते हैं लॉक्स। हाँ यस, क्या कैसे यश, अच्छा यस कमेंट करना, कमेंट सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। अच्छा बताया था मैंने दोस्तों, बताया ना को बताया, ओके और तो चलिए फ्रेंड्स मेरा लंच भी लगभग बन चुका है, और इनको थोड़ा जल्दी जाना होता है, तो इसलिए मुझे सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, नाश्ते के बर्तन कपड़े खाना पीना सब साथ में होता है मेरा। तो दाल चावल मैंने बना ली है, तो चलिए अभी इनको लंच दे देते हैं ड्यूटी वाले लोग जो हैं, क्योंकि ये आजकल जल्दी आ रहे हैं।
कुछ नहीं होता। और आज हमारी मम्मा हमारी ये लाई है। आज मैं नहीं गई थी, अकेले पापा गए थे। तू नंगा ही रहते, तू मैं क्या करूँ, जल्दी कपड़े पहने करना। तो जो भी इसके दोस्त हैं वो इसको चिढ़ाए ना करे, ये लगभग घर पे आता है तो ये देखना, ये तो ड्रेस ही नहीं उतारता पहले, ताकि वीडियो खत्म हो जाए तब मैं तो मेरे मत कर। अब चलो फटाफट से अब जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज करो, तो अभी देखो चिढ़ाया ना करे, क्योंकि अभी वो बहुत ही पढ़ता है, बहुत अच्छा लड़का है। भाई तो बोलता है अपने भाई को, दूसरे भाई को कि वो गंदा है। नहीं गंदा क्यों है, अच्छा है। तो अभी को ना चिढ़ाया करे, क्योंकि अभी वो घर मतलब आता है तो मैं तुरंत वीडियो बना लेती हूँ उनकी। तो अभी रूप तो ऐसे ही रहता है, लेकिन वो तुरंत कपड़े चेंज करता है तो इसलिए उसका वीडियो वैसे ही आ जाता है, लेकिन वो पूरा रंगा नहीं रहता, उसने कपड़े पहने भी होते हैं। तो चलिए अब लंच बना लेते हैं, लंच की तैयारी बन चुका है मेरा लंच, अब ले लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी दाल भी बनकर रेडी हो चुकी है और चावल भी। तो चलिए फिर हम सभी लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर काट रही हूँ मौसमी, और अभी रुक को पसंद है मौसमी, अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं है, और पहले मैं काट के उनको दे देती हूँ, फिर ये ट्यूशन जा रहे हैं दोनों। तो अभी टाइम भी जो बज गया है पूरा 2:15 हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स पहले मैं इनकी वो बना लेती हूँ, खटाई बोल रहा है, देखते हैं। पर मेरे को एक खाना है। हाँ तो एक तो खा लेना, दो की मैं बना, ठीक है, ओके बाय। तो फ्रेंड्स अभी बच चुकी है 2:30 बजने वाली है और बच्चे ट्यूशन जाएंगे, और अभी मैंने ये खटाई तो नहीं बनाई, खटाई बना रही थी लेकिन उन्होंने ऐसी खा ली। मीठी है मौसमी, काफ़ी अच्छी है मौसमी। तो चलिए इनको भेजती मैं अभी ट्यूशन खा पी के, ठीक है। आर यू रेडी फॉर गोइंग? नो। यस बोला, यस बोला, जबरदस्ती बोला, मैं बोल यस। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इनको भेजती हूँ ज़बरदस्ती। ये देखिए दोस्तों, बच्चे अभी ट्यूशन से आ गए और खेलने भी चले गए, तो बस मैंने ये थोड़ी चाय बनाई थी ये देखिए, तो अब मैं चाय पी लेती हूँ थोड़ा। और ये जो सारा सामान रखा है ये मैं थोड़ा सेटल कर देती हूँ, बस आज शाम का मेरा काम यही है। फिलहाल तो मैं चाय पी लेती हूँ। दोस्तों इसमें मैंने कुछ प्याज आलू वगैरह एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि ये कल या परसों में ख़त्म भी हो जाएंगे ये ऊपर वाले प्याज वगैरह। और ये आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं, और एक प्याज इसमें है, और इसमें थोड़ी लहसुन भी है, काफ़ी है ये देखिए, लहसुन वगैरह भी है। तो ये सब मैं एडजस्ट करके रख रही हूँ अभी, और फिलहाल मैं ये काम कर लेती हूँ इसका। तो इसको मैं डिब्बे में डाल देती हूँ। फ्रेंड्स शाम का समय भी हो गया है, और अब मैं ये सारे डिब्बे में डाल देती हूँ, दाल वगैरह के पैकेट हैं, ये खोल लेके, ये खोल के मैं डाल देती हूँ। पहले मैं राजमा डाल देती हूँ। तूने क्या सोचा? डायमेंशनल फोर्स क्या समझ रहा था? ये डायमेंशन दो टाइप के फोर्स होते हैं। तूने कौन सा फोर्स समझा? एक होते हैं फोर्स नॉर्मल वाले,
दूसरे फोर्स होते हैं। चलो बता फ्रिक्शन क्या होता है। तूने फोर्स समझा एयर फोर्स। यार मम्मी इसको बता। फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मतलब एक चीज जो उसी चीज पे हुई। फ्रिक्शन हाँ। चलो चलो चल तू पहले अपना पूरा कंप्लीट कर जो जो सब्जेक्ट में था। अरे चप्पल हाँ चप्पल आवाज होती है ऐसे ऐसे घिसते हैं वो फ्रिक्शन होता है। दो आते हैं ठीक है। हाँ एसएसटी इनके पास तो ईएनवी है अभी अभी आएगा। चलो ठीक है चलो अभी पढ़ो चलो अभी पढ़ो अभी किताबें पूरी फैला रखी है इन्होंने ये देखो।